हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज डिबेंचर ट्रस्टीज एंड व्हाट इज डिबेंचर ट्रस्ट डीड। पहले हम लोग देखते हैं डिबेंचर ट्रस्टीज कौन होते हैं। तो जो कंपनी या प्रोस्पेक्टस को इश्यू करती है, प्रोस्पेक्टस मतलब जिसके अंदर कंपनी की और सिक्योरिटीज की सारी डिटेल होती है, तो उसको प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। और ये प्रोस्पेक्टस कंपनी क्या करती है, पब्लिक को इश्यू करती है, जिससे पब्लिक को कंपनी के बारे में और जो भी सिक्योरिटी कंपनी इश्यू कर रही है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और उसके बाद में कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है वो पब्लिक डिसाइड करती है। तो जो कंपनियां प्रोस्पेक्टस को इश्यू करती है या फिर जो कंपनियां अपने डिबेंचर को 500 से ज्यादा लोगों को बेचती है, तो ऐसे कंपनी जो है वो एक या एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट कर सकते हैं। तो दो कंडीशंस मैंने यहाँ पे आपको बताया है, एक तो जो कंपनीज प्रोस्पेक्टस को इश्यू करके डिबेंचर्स को बेच रही है, और दूसरा कंडीशन मैंने बताया कि जो कंपनी 500 से ज्यादा लोगों को अपने डिबेंचर्स बेचती है, तो ऐसे कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ता है। और डिबेंचर ट्रस्टीज जो होते हैं वो एक हो सकती है या एक से ज्यादा हो सकते हैं। अभी जो कंपनी सिक्योर डिबेंचर्स इश्यू करते हैं उनको भी डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ता है। सिक्योर डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है कि नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे कि कंपनी कोई ना कोई असेट को गिरवी रखती है और उसके बाद में ये डिबेंचर्स को इश्यू किया जाता है। अगर सपोज कंपनी ने ये डिबेंचर होल्डर्स के पैसे स्टिपुलेटेड टाइम में वापस नहीं किए, मतलब ये जो डिबेंचर है पर्टिकुलर टाइम के लिए इशू किए जाते हैं और वो टाइम के बाद में कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स के कैपिटल जो है वो वापस करना पड़ता है। बट इनकेस अगर कंपनी ने वो टाइम के अंदर पैसा वापस नहीं किया, तो ये डिबेंचर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, कंपनी के वो जो असेट उनके पास गिरवी रखे उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए इसको सिक्योर डिबेंचर्स बोला जाता है। दूसरे होते हैं अनसिक्योर डिबेंचर, जहां पे कंपनी कोई भी असेट को गिरवी नहीं रखती या मॉर्गेज नहीं रखती है। अगर ऐसे अनसिक्योर डिबेंचर्स में कंपनी ने वो डिबेंचर होल्डर के कैपिटल को वापस नहीं किया, तो वो डिबेंचर होल्डर जो कंपनी के असेट नहीं बेच सकते हैं, बिकॉज वो अनसिक्योर डिबेंचर्स है। सो जब कंपनी सिक्योर डिबेंचर्स को इश्यू करती है तभी भी कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ता है। तो टोटल 3 केसेस में यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट किया जाता है। एक तो जब कंपनी प्रोस्पेक्टस को इश्यू करती है, दूसरा जब कंपनी डिबेंचर को बेचने के लिए 500 से ज्यादा लोगों को इनवाइट करती है, और तीसरा जब कंपनी सिक्योर डिबेंचर्स को इश्यू करती है। ये 3 केसेस में कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ता है। डिबेंचर ट्रस्टीज वो होते हैं जो डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी कंपनी डिबेंचर होल्डर का जो भी कैपिटल है उसको डुबाए नहीं, तो उससे बचाने का काम जो होता है डिबेंचर ट्रस्टीज करते हैं। सो डिबेंचर ट्रस्टीज बेसिकली डिबेंचर होल्डर्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इनके वजह से डिबेंचर होल्डर्स को एक सिक्योरिटी मिलती है कि डिबेंचर होल्डर के पैसे जो है वो कहीं पे जाएंगे नहीं, तो इसके लिए डिबेंचर ट्रस्टीज जो होते हैं काफी जरूरी होते हैं। ना यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो अपने मूवेबल या इमूवेबल असेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करती है। मूवेबल असेट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी फर्नीचर वगैरह हो सकता है या फिर कंपनी की कोई भी मशीनरी हो सकती है जो मूवेबल होती है, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। और इमूवेबल असेट्स का मतलब क्या होता है कि बिल्डिंग वगैरह हो सकता है या कंपनी का कोई लैंड वगैरह हो सकता है, तो उसको इमूवेबल बोलते हैं बिकॉज वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके नहीं जाया जा सकता है। तो कंपनी का कोई भी मूवेबल या इमूवेबल असेट या फिर कंपनी की जो सब्सिडियरी कंपनी होती है, मतलब कंपनी के जो दूसरे ब्रांचेस वगैरह होते हैं, उनका मूवेबल या इमूवेबल असेट या कंपनी को होल्डिंग अगर कोई कंपनी है, मतलब एक कंपनी है जिसके दूसरे कंपनी के अंदर 51% शेयर्स है, तो वो क्या हो जाती है, होल्डिंग कंपनी होती है। जैसे ए कंपनी है जिसके बी कंपनी में 51% शेयर है, तो बी कंपनी ए कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। तो जिस भी कंपनी के मूवेबल और इमूवेबल असेट्स या उनके सब्सिडियरी कंपनी, मतलब उनकी दूसरी जो ब्रांच है उसके मूवेबल या इमूवेबल असेट या फिर उनकी होल्डिंग कंपनी, मतलब जिस कंपनी में उनके 51% शेयर है, तो उनके मूवेबल या इमूवेबल असेट जो होते हैं, यहाँ पे कंपनी क्या करती है, उसका चार्ज क्रिएट करती है। चार्ज क्रिएट करना मतलब क्या होता है, गिरवी रखना। तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि डिबेंचर ट्रस्टीज जो होते हैं वो डिबेंचर होल्डर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और कंपनी जब भी डिबेंचर्स इशू करती है तो कंपनी को उनके मूवेबल या इमूवेबल असेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करना पड़ता है, मतलब उनको अपने मूवेबल और इमूवेबल असेट्स को गिरवी रखना पड़ता है और फिर बाद में डिबेंचर्स को इशू करना पड़ता है।
ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज इनकेस अगर सपोज कंपनी ने वो डिवेंचर होल्डर्स के पैसे नहीं पे किए, तो डिवेंचर ट्रस्टीज क्या करते हैं, कंपनी का वो जो असेट है जिसको कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया हुआ है उसको वो बेच देते हैं, और जो भी डिवेंचर होल्डर्स है उनके पैसे जो होते हैं उनको रिटर्न किए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी के मूवेबल और इमूवेबल असेट जो होते हैं उसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाता है और डिवेंचर्स को इश्यू किया जाता है। और ये चार्ज किसके फेवर में क्रिएट किया जाता है, तो डिवेंचर ट्रस्टीज के फेवर में, मतलब ये जो असेट्स है वो डिवेंचर ट्रस्टीज के पास गिरवी रखे जाते हैं। नाउ ये जो ट्रस्टीज होते हैं वो कंपनी के असेट के कस्टडियंस बनते हैं। कस्टडियन का मतलब क्या होता है, वो कंपनी के जो असेट्स होते हैं जो कंपनी ने गिरवी रखे हुए हैं वो यहाँ पे ट्रस्टीज के कस्टडी में रहते हैं। नाउ ये डिबेंचर ट्रस्टीज को कब अपॉइंट किया जाता है, तो प्रोस्पेक्टस या लेटर ऑफ ऑफर या ऑफर लेटर इश्यू करने से पहले डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट किया जाता है। अब ये प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर क्या होता है, तो जब कंपनी पब्लिक को कोई भी सिक्योरिटीज इश्यू करती है तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। जब कंपनी अपने सिक्योरिटीज को एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेचती है तो कंपनी उनको लेटर ऑफ ऑफर देती है। और जब कंपनी अपने सिक्योरिटीज का प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, मतलब किसी प्राइवेट पार्टीज को देती है, तो वो प्राइवेट पार्टीज को कंपनी ऑफर लेटर देती है। तो ये ट्रस्टीज को कब अपॉइंट किया जाता है, सपोज कंपनी पब्लिक को सिक्योरिटीज बेच रही है तो पब्लिक को कंपनी क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस देगी। वो प्रोस्पेक्टस देने से पहले डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है। अगर सपोज कंपनी राइट इश्यू कर रही है, राइट इश्यू मतलब कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको कंपनी डिवेंचर देना चाहती है, तो उनको पहले कंपनी क्या करेगी, लेटर ऑफ ऑफर देगी। सो लेटर ऑफ ऑफर देने से पहले डिवेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट किया जाता है। और तीसरे केस में जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, मतलब कंपनी अपने डिवेंचर्स को प्राइवेटली बेचना चाहती है, तो उनको क्या किया जाता है, ऑफर लेटर दिया जाता है। तो ऑफर लेटर देने से पहले यहाँ पे डिवेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट किया जाता है। और यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है कि डिवेंचर अलॉट करने के 60 दिन के अंदर डिवेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे दो कंडीशंस दिए हैं, प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर इश्यू करने से पहले डिवेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ता है, या फिर डिवेंचर्स का अलॉटमेंट करना, मतलब जिन्होंने भी डिवेंचर के लिए अप्लाई किया है उनको डिवेंचर अलॉट करना, मतलब दे देना, उसके 60 दिनों के अंदर ये डिवेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट किया जाता है। फिर बाद में ट्रस्टीज जो होते हैं वो एक रिटर्न कंसेंट देते हैं, मतलब वो लिख के देते हैं कि वो कंपनी के डिवेंचर ट्रस्टीज बनने के लिए रेडी है। कंसेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट, कि वो राजी है कंपनी के डिवेंचर ट्रस्टीज बनने के लिए। प्रोस्पेक्टस लेटर, लेटर ऑफ ऑफर या ऑफर लेटर जो होता है उसके अंदर डिवेंचर ट्रस्टीज का नाम जो होता है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ताकि जो भी लोग डिवेंचर्स परचेस कर रहे हैं उनको डिवेंचर ट्रस्टीज के बारे में पता चले। तो इसके लिए प्रोस्पेक्टस के अंदर या लेटर ऑफ ऑफर या ऑफर लेटर जो होता है उसके अंदर डिवेंचर ट्रस्टीज का नाम होना जरूरी है। उसके बाद में डिवेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है, तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, डीड का मतलब ये होता है एग्रीमेंट। सो कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये एक एग्रीमेंट होता है जो डिबेंचर ट्रस्टीज और कंपनी के बीच में बनता है, जिसके अंदर ये जो डिबेंचर ट्रस्टीज है और कंपनी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं। सो डिबेंचर ट्रस्ट डीड एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टीज के बीच में बनाया जाता है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो रिटर्न फॉर्म में होते हैं। ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर ये लिखा रहता है कि कंपनी कौन से असेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रही है और ट्रस्टीज के पास वो असेट जो है गिरवी रख रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनकेस अगर कंपनी ने डिबेंचर होल्डर के पैसे वापस नहीं किए तो डिबेंचर ट्रस्टीज क्या करते हैं, कंपनी के वो असेट को बेच के पैसा रिकवर करते हैं और डिबेंचर होल्डर्स के पैसे जो होते हैं वो रिटर्न करते हैं। तो ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट या लीगल डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि ट्रस्टीज जो है उनका असेट के ऊपर पूरा अधिकार है करके, जब तक कंपनी डिबेंचर होल्डर्स के पैसे वापस नहीं करती है। ये डीड जो होता है इसके अंदर डिबेंचर होल्डर के सारे राइट्स लिखे रहते हैं कि डिबेंचर होल्डर को क्या क्या अधिकार है। तो बेसिकली डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट, उनका कैपिटल टाइम पे मिलना चाहिए। और दूसरा, इसके अंदर डिबेंचर ट्रस्टीज के ड्यूटीज और पावर के बारे में लिखा रहता है कि डिबेंचर ट्रस्टीज क्या क्या कर सकते हैं, वो भी ये एग्रीमेंट के अंदर या डीड के अंदर लिखा हुआ रहता है। कंपनी जो होते हैं उनको ये डीड जो होता है वो डिबेंचर का जो इश्यू है उसका क्लोज होने के बाद में 3 महीने के अंदर एग्जीक्यूट करना पड़ता है। फिर बाद में मेंबर और डिबेंचर होल्डर जो है वो लोग ये डीड को पढ़ सकते हैं, अगर उनको ये कॉपी चाहिए डीड की तो वो कॉपी भी उनको फीस पे करके मिल सकती है।
तो ये एकदम ओपन डॉक्यूमेंट है, अगर किसी भी मेंबर को या डिबेंचर होल्डर को ये डॉक्यूमेंट देखना है तो वो देख सकते हैं, और उनको ये कॉपी भी मिल सकती है, उसके लिए उनको फीस पे करनी पड़ेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिबेंचर ट्रस्टीज एंड डिबेंचर ट्रस्ट डीड। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।